सतीश जी पलेंगे आरवी इज द कॉस्ट्यूम डिजाइनर जो आज की तारीख में रंजीत जी प्रोड्यूसर और ये मनोज जी हमारे सीईओ हैं कंपनी के एंड माई सेल्फ राइटर डायरेक्टर और प्रशांत नारायण जी आज है नहीं आप लोगों ने देखा होगा वो बम्बई गए हुए और बाकी जैकी श्रॉफ जी हैं मनोज मुकेश तिवारी हैं तो जो यहाँ हैं उसके हिसाब से फिर आप सवाल करते हैं उद्धव जी हैं देखिए सबसे पहले कि मैं कुछ कहूँ उससे पहले मैं बता दूँ कि मैं आज बहुत ही ज़्यादा सैड हूँ बीजेपी नेता हमारे मुंडे साहब का निधन हुआ है हम सभी शॉक में हैं और बहुत ही बुरी आज खबर मिली है तो एकदम अपसेट है हम सभी बहुत तकलीफ़ हो रही है बिल्कुल मैंने तो डायरेक्टर साहब को बोला थोड़ा पैकअप कर दीजिए मेरा थोड़ा क्योंकि मुझे मुंबई जाना है बट कुछ कर नहीं सकते बहुत सैड है बहुत दुख हो रहा है हमें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है आइए आइए क्या हम फिल्म की बात करें जी बिल्कुल जब हम वन ऑन वन करेंगे विल टॉक अबाउट इट देखिए इस फिल्म का नाम है मुंबई हाँ मुंबई कैन डांस वाला बहुत अच्छी फिल्म बना रहे और बिल्कुल अलग है सब्जेक्ट और सचिंदर जी मेरे बहुत ही पुराने फ्रेंड है हालांकि हमने करियर शुरू किया था साथ में तो तब से हमारी दोस्ती है और बहुत अच्छा लिखते हैं और फर्स्ट टाइम उनका डेब्यू फिल्म है तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं तो उन सबको लेकर एक अच्छी फिल्म बना रहे तरन्नुम खान बार गर्ल के बारे में आपने सुना ही होगा तो उस पर पूरी स्टोरी है हाशिमा जो मेरी छोटी बहन है वो प्ले कर रही है एंड शी इज़ वेरी गुड एक्ट्रेस वेरी गुड डांसर और आई एम प्लेइंग वन ऑफ द पॉलिटिशियन इन द मूवी जो बार बालाएँ होती है उनकी हेड होती है उनके लिए सरकार से लड़ती है सडनली एक नेता आ जाते हैं आर आर पाटिल जैसे बारों को बंद कर देते हैं ये नहीं सोचते हैं कि उन लड़कियों का क्या होगा क्या वो आत्महत्या कर लेगी या फिर उनका भविष्य क्या होगा तो उस पर पूरी स्टोरी है बहुत बढ़िया स्टोरी है तो मैं एज अ पॉलिटिशियन एज अ इनकी हेड ये लड़कियों के लिए लड़ती हूँ मैं और किरण जंजानी है जो प्लेइंग अ वेरी गुड कैरेक्टर विथ मी और कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन होते हैं पूरी फिल्म में आई लाइक हिम प्रशांत नारायण जो हैं वो भी लीड प्ले कर रहे हैं सबका बहुत अच्छा कैरेक्टर है शक्ति जी तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है खुद ही एक महान हस्ती है लेजेंड है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में
एंड जहाँ जहाँ शक्ति जी कदम रख देते तो फिर वहाँ पे तो कुछ पूछने की बात ही नहीं है. इज़ ग्रेट एक्टर और बहुत इन्जॉय कर रही हूँ मैं इस फिल्म को. हाँ थोड़ी नाराज़ हूँ हमारे डायरेक्टर साहब से, जो मैं बता नहीं सकती हूँ. ठीक है, दोस्त है मेरे, समझ सकते हैं मुझे, क्योंकि मैंने राजनीति में कदम रखा है. तो मैंने कहा है उनको कि मुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं, छोटे वोटे कपड़े नहीं पहनने हैं. लेकिन वो कहते हैं कि भाई मेरी फिल्म है तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा. सिनेमा पहले. मैंने कहा नहीं, जनता पहले. तो कहते हैं सिनेमा पहले. तो बस ठीक है, ये चल रहा है. और बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए. और मैं अपना बहुत सारा प्यार हाशिमा को देती हूँ, उनकी फर्स्ट डेब्यू फिल्म है. और आई विश ऑल द बेस्ट. दैट्स इट, थैंक यू. देखिए डेफिनेटली मैं तो रहूंगी राजनीति में. मुझे जनता की सेविका बन के रहना है, काम करना है. फिल्म इंडस्ट्री में मैं हूँ, उन्हें भी नहीं इग्नोर किया जा सकता, भुला नहीं जा सकता. क्योंकि आज जो कुछ मैं हूँ, मुझे सब कुछ फिल्म इंडस्ट्री ने ही दिया है. तो आई रिस्पेक्ट माई फिल्म इंडस्ट्री. और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे यहाँ से बहुत प्यार मिला. और आगे उम्मीद रखती हूँ कि मुझे जितना प्यार फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने, सब ने दिया, उतना ही प्यार मुझे देश की जनता भी देगी, इतना मुझे विश्वास है. देखिए आज मेरा थोड़ा मूड अपसेट है, मैं आपसे बाद में बात करूंगी इस बारे में. ओ बहुत अच्छा सवाल आपने मुझे किया. मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे राजस्थान आके. ये बात अलग है कि बहुत गर्मी है, बाहर खड़े नहीं रह सकते. लेकिन जिस दिन आई मैं, उस दिन बहुत बारिश हुई थी और अच्छा मौसम था. और वसुंधरा राजे जी के लिए मैं इतना ही कहूँगी कि शी इज़ अ ब्रेव लेडी. मैं बहुत इज्जत करती हूँ, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ. मेरी नज़रों में वो एक झांसी की रानी है और 25 सीटों से यहाँ पे वो जीती है. और राजस्थान में विकास होगा, उन राजस्थान का भी भविष्य बहुत अच्छा है. लोगों को खुशियाँ मनानी चाहिए क्योंकि वसुंधरा राजे जी आ गई हैं और वो बहुत अच्छा काम करेगी. और स्पेशली महिलाओं के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा काम करेगी. विकास होगा और अच्छा काम होगा. देखिए डेफिनेटली यस, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े से कड़े कानून बनने चाहिए. उनकी सुरक्षा पहले होनी चाहिए. जिन जिन बड़े बड़े नेताओं ने जो जो वादे किए हैं जनता के सामने, तो उनको वादा अपना पूरा करना चाहिए. मोदी जी ने शुरुआत कर दी है, मैं मोदी जी की बहुत सम्मान करती हूँ. जैसे बहुत सारे उनके पार्टी में ही कैबिनेट मिनिस्टर महिलाओं को बहुत ही पहले दर्जा दिया है, बनाए हैं, रिस्पेक्ट दी है. तो शुरुआत तो मोदी जी ने कर दी है. और आप आगे आगे देखिए कि मोदी जी इस देश के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश के लोगों के लिए, युवाओं के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे. ये मेरा विश्वास है. और सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे देश का विश्वास है. तभी तो आज इतना अंधाधुन लोगों ने उनको वोट करके ज़्यादा से ज़्यादा सारी सीटें जिताई हैं और आज वो पीएम बने हैं. तो लोगों का प्यार है ही है, डेफिनेटली यस. देखिए लोगों की मानसिकता है, जिस इंसान को जो कुकर्म करने होते हैं, तो वो सलवार कमीज हो या शॉर्ट ड्रेस हो या कुछ भी हो, उनको करके रहते हैं. कपड़ों की बात डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए. जिस तरह से एक आदमी खुली सांस लेकर जीता है, वैसे ही एक वुमेन को भी सम्मान मिलना चाहिए और उसे भी आज़ादी मिलनी चाहिए अपनी ज़िंदगी जीने के लिए. ये तालिबान नहीं है, ये इंडिया है. तो हर किसी को अधिकार होना चाहिए हमारे आज़ाद देश में आज़ादी से जीने का. कोई इस पर, महिलाओं पर कोई ज़्यादा टिप्पणी ना करे तो बहुत अच्छी बात होगी उनके लिए. देखिए मैं राजनीति में आना चाहती हूँ, वहाँ पे थोड़ा अलग माहौल रहता है, पब्लिकली जाना पड़ता है. और मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं है इस बात से कहीं से भी कि मैं फिल्म इंडस्ट्री से आई हूँ, एक ग्लैमर वर्ल्ड से आई हूँ. आई रिस्पेक्ट, बट मैं तो अपने दोस्त को रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ. आगे तो उनकी मर्जी है, तो मैं तो पहनकर ही आई हूँ. मैं अपने डायरेक्टर साहब को डेफिनेटली नाराज नहीं कर सकती. हाँ कुछ सीन्स हैं जो मैंने करने से मना कर दिया है. मैं विश्वास रखती हूँ कि हमारे प्रोड्यूसर साहब रंजीत जी
जो मेरे पिता समान हैं और मेरे दोस्त हैं, तो वो बिल्कुल इस बात पर गौर करेंगे क्योंकि आगे मैं राजनीति में ही कदम रखना चाहती हूँ। ये फिल्म मैं दोस्ती में कर रही हूँ, डेफिनेटली यस। और आई फील प्राउड, आई एम एन एक्ट्रेस और मैं एक एक्ट्रेस हूँ पहले, और सेविका तो मुझे बनना ही बनना है। देखिए फिलहाल तो अभी हम इस फिल्म पे ही बात करें, मुंबई कांट डांस वाला, बिकॉज ये जो फिल्म की स्टोरी है, मुझे लगता है जो भी जनता इसे देखेगी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे सीन हैं, ऐसे ऐसे सच्चाइयां बताई गई है, और जो मेरे ख्याल से अभी तक किसी भी बड़ी फिल्म में, किसी भी बार पे कहानी बनी हो या बार बाला पे कहानी बनी हो, ऐसे सीन्स नहीं दिखाए गए, जो सच्चाई नहीं दिखाई गई इस फिल्म में, वो सच्चाई दिखाई गई है। मुझे नहीं लगता कि मुझे अलाउड है बहुत सारे सीन्स के बारे में बात करने के लिए। मेरे ख्याल से हाशिमा जी और शक्ति जी और किरण जी ये सब बातें करें, बताएंगे आपको। मैंने अपना कैरेक्टर बताया है आपको कि मैं इस फिल्म में ऐसा किरदार निभा रही हूँ कि मैं सरकार से लड़ पड़ती हूँ, लड़कियों के लिए, बार बालाओं के लिए, वुमेन राइट्स के लिए मैं लड़ पड़ती हूँ, और आखिरी में मैं चुनाव जीत जाती हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि किस तरह से कष्ट करके कैसे, वो आपको फिल्म में देखना जरूरी है। मैं हूँ और मैं बीजेपी में ही रहूंगी, और डेफिनेटली राजनाथ जी मेरे पिता समान हैं और उनका आशीर्वाद मुझे मिल चुका है। शादी को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं, ये लोग भी तो हैं, इनसे भी तो पूछो। शादी पहले मुंबई के अंदर ये है ना, मेरे पिता बताएंगे, तो मेरे पापा है ना यहाँ पे, मेरे पापा बताएंगे, रंजीत जी बताएंगे कि मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं, और वही कन्यादान करने वाले हैं, तो वही बताएंगे। काम करो, अभी राजनीति में आ गई हूँ तो डेफिनेटली कोई राजनेता ही ढूंढूंगी मैं। सभी को सबसे पहले मेरा नमस्कार, और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे इतने अच्छे बड़े एक्सपीरियंस होल्डर्स के साथ वर्क करने को मिला है। राखी जी, शक्ति जी, प्रशांत, किरण जी, मुकेश तिवारी जी, सुहासिनी मूले, इतने सारे करेक्टर्स हैं जो कि मुझे कहीं ज़्यादा जानते हैं, और उनके साथ जब मैं कोई भी शॉट करती हूँ मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। मेरे डायरेक्टर सचिंद्र जी मुझे हर एक चीज़ को समझाते हैं, हर एक शॉट में जान डालते हैं, हर चीज़ मुझे समझाई गई है, और जब मैं फ्लोर पर आई तो मुझे किसी ने ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं एक डिब्यू कर रही हूँ अपनी मूवी का। और जिस तरीके की ये मूवी है, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहूँगी कि महिलाओं के लिए, बार डांसर्स के लिए एक बहुत बहुत ही आगे जाने वाली चीज़ है। सारे जो लोग हैं बार डांसर्स को ज़रूर इससे पहचानेंगे। नहीं, एक्चुअली सभी सीनियर हैं मुझसे, या बिल्कुल मेरे को बराबर ही रखा जाता है, एज अ सिस्टर, एज अ डॉटर, एज अ फ्रेंड, और जैसे कि होना चाहिए एक्टर्स को वैसे ही मुझे रखते हैं। हर चीज़ मुझे समझाई भी जाती है, कई बार डांट भी देते हैं डायरेक्टर जी मुझे, ऐसे नहीं ऐसे भी कर लिया करो। राखी दी हर चीज़ में लाइक मेरे लुक को लेकर भी है अगर, और या फिर मेरे कोई सीन को लेकर भी है, तो वो मुझे खड़ी खड़ी भी चीज़ समझा देती हैं कई बार। एंड शक्ति जी नॉर्मली मुझे मेरा सीन समझाने के बाद हम दोनों रिहर्सल भी कर लेते हैं, और हमारे A1 टेक ओके भी हो जाता है कई। तो थैंक यू शक्ति जी, थैंक यू राखी दी, थैंक यू किरण। तरन्नुम खान बार आंसर, ये बेस्ड उस पर इसलिए है क्योंकि एक ये बहुत बड़ा इशू बना गया था, बट उसके पीछे सच्चाई क्या थी उस लड़की की, ये कोई नहीं जानता। और इनफैक्ट बार डांसर्स को ही कोई नहीं जानता, आप लोगों ने सिर्फ इनके बारे में हम लोग बातें कर सकते हैं, किसी ने करीब से जाकर उनको देखा नहीं है। अगर हम लोग उनको देख पाएंगे तो शायद उनका दर्द हम लोग फील करेंगे। अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो बार डांसर्स भी एक महिला ही है, तो अगर हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो बाकी उनके लिए क्या करेंगे। इजी तो सभी कर लेते हैं, और अगर हमने स्ट्रॉन्ग से अगर अपनी पकड़ जमा ली तो हमें आगे जाके शायद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू।
देखिए सबसे पहले एक ही लाइन है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला खुद ही सबसे पहले जरूरी है। अगर वो खुद स्ट्रांग नहीं होंगी तो उनकी फिर आप चाहे उनको बंदूक दे दो या कोई बॉडीगार्ड्स लगा दो, कोई कुछ नहीं कर सकता उनके साथ। अगर वो खुद स्ट्रांग है तो किसी के अभी किसी में हिम्मत नहीं है कि उनको कोई हाथ भी लगा पाए या उनसे कोई चू भी बोल पाए। थैंक यू। सबसे पहले जो एक हादसा हुआ है गोपी नाथ मुंडे जी का, उसका अफसोस है। तो मैं अपने पूरे यूनिट की तरफ से, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, पूरी स्टार कास्ट की तरफ से मुंडे साहब की फैमिली के लिए, उनकी दो बेटियों के लिए, तीन बेटियाँ उनके लिए सहानुभूति देता हूँ। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। एंड इट वाज अ वेरी ट्रेजिक डेथ। तो मैं अभी उससे ही मतलब वो न्यूज़ से ही नहीं बाहर आ पाया हूँ, और पता चला कि इधर आज मीडिया मीट है। तो हमारे यहाँ तो इंडस्ट्री में कहावत है कि द शो मस्ट गो ऑन, सो द शो इज़ गोइंग ऑन। और मेरा जो रोल है इस फिल्म में, ये टैलेंट ढूंढता है और बड़ा अजीबोगरीब रोल है। वैसे तो आप सब लोग जानते हैं कि मैं कितना शरीफ आदमी तो ये टैलेंट ढूंढता है, और इसकी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की आती है जो एक छोटे परिवार से है, लेकिन ये ड्रेस डिज़ाइनर है। इसकी नज़र में ये लड़की आती है, और कैसे एक छोटी सी लड़की को, एक छोटी फैमिली की लड़की को एक बार डांसर बनाता है और फिर बहुत बड़ा स्टार बनाता है। और वो लड़की इतनी बड़ी स्टार बन जाती है कि वो सपनों की दुनिया में चंद चीज़ें भूल जाती है, और फिर एक दिन उसके पास आता है और उसको याद दिलाता है कि ज़िंदगी के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ है। सपनों की दुनिया जब टूटती है तो बहुत बुरी तरीके से टूटती है। एनीवे, दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी, ऑलमोस्ट टचिंग अ ट्रू स्टोरी व्हाट द फिल्म इज। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि राखी जी, मुझे पता नहीं था इस फिल्म में है, तो मुझे कल रात को पता चला, काफ़ी लेट हो चुका था। तो मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ शुरू से, इनकी हिम्मत। और मैं एक मरतबा अभी जू से निकल रहा था और इनकी रैली चल रही थी, और मैं शॉर्ट्स वॉर्ट्स में था। मैंने कहा कोई फ़र्क नहीं, मैंने गाड़ी खोली और राखी जी के गले लग गया। मैंने कहा आई विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ। देखिए बड़ी हिम्मत की काम है कि अकेली लड़की एक अलग सी पार्टी बनाती है और खड़ी हो जाती है। तो हमें ऐसी लड़कियों की बहुत ज़रूरत है इस देश में, जो हिम्मत रखती हैं और दिखाती भी हैं और करती भी हैं। और इट्स बीन अ लॉन्ग हिस्ट्री विद राखी एंड मी। मैं इसको देखा है, इसकी पहली फिल्म का एक मुहूर्त हुआ था जब पहली मरतबा आई थी, मैं उस मुहूर्त में भी था। और उसके बाद जो इनकी जर्नी हुई है, इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी, इट्स बीन अ वेरी बिग सक्सेस स्टोरी। और आज ये पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहती हैं, मेरे हिसाब से ऐसी लड़कियाँ हमारी पॉलिटिक्स में आना बहुत ज़रूरी है, जो दिल खोल के बात कर सकती हैं, किसी से डरती नहीं हैं। तो आई विश माय प्रोड्यूसर रंजीत जी, मैं तो और के चक्कर में चला गया, और माय डायरेक्टर सचिंदर जी जो बहुत महान राइटर, आई विश इनके सब इम्पॉर्टेंट सीन्स मेरे साथ हैं, एंड शी इज़ अ वेरी फाइन एक्टर, एंड आई विश एवरी वन अ वेरी वेरी बिग सक्सेस इन लाइफ। एंड मीडिया वाले तो आप कमाल हैं, सुबह सुबह मेरी फोटो छापती सिगरेट पीते हुए। अरे भाई, मैं तो ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं सिगरेट उस जगह पी रहा था जहाँ पर अलाउड है, कोने में जाके। अभी क्या होता है, कलाकार को आप ऐसे फंसाते हो कि ये सिगरेट पी रहा था, पहले इरफान खान फंसे, अब शक्ति कपूर फंसे। मैंने जिंदगी में ओपनली ऐसी जगह कभी सिगरेट नहीं पी है जहाँ पर नहीं पीनी चाहिए, तो ये मैं क्लियर कर रहा हूँ।
और मेरे साथ पुलिस वाले थे और मैं बिल्कुल कोने में खड़ा था जहाँ पर सिगरेट अलाउड थी, ये मैंने क्लियर कर दिया। और बाकी जयपुर और राजस्थान से मेरा बहुत प्यार है, हमारे बहुत पुराने मित्र यहाँ से हैं बोकाड़िया जी, उनके साथ मैंने कुछ 23 फिल्में की हैं, हमारे राजश्री वाले भी राजस्थान के हैं और मेरे जो घर में पूरा फर्नीचर है वो पूरा राजस्थान का है। और जब भी मैं यहाँ से जाता हूँ 16 से 20 कचौरियाँ ले जाता हूँ, मिर्ची के बड़े बड़े पकौड़े ले जाता हूँ, जो ये खा लो तो आपको सुबह 3 घंटे तो एक जगह बैठना ही पड़ता है और इंसान का शरीर साफ हो जाता है। एनीवे आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट। देखिए महिलाओं, मेरी भी बेटी है, मेरी भी बहनें हैं और आज मैंने हमेशा कहा है कि इंसान का जन्म इस धरती पे एक महिला की वजह से होता है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। सबसे पहले हर इंसान को एक इज्जत औरत की जहन में सिखाना समझाना बहुत ज़रूरी है। ये जो एक कॉम्प्लेक्स लेके चलते हैं कि एक सिंबल है औरत, वो नहीं है, बहुत ताकतवर होती है औरत। जब बीवी आपका बैंड बजाना चाहे तो ऐसा बजाती है कि आप कटोरा लेके मंदिर के बाहर बैठा देती है, इतनी ताकतवर होती है औरत। पर सोच बहुत बदलने की ज़रूरत है और बड़ा अफसोस होता है, मेरी तो कई मरतबा आँखों में आंसू आता है जब ये टीवी पे दिखाते हैं या समाचार पत्र में दिखाते हैं कि ऐसी दो बहनों के साथ किया, फिर उनको लटका दिया और बलात्कार करने के बाद एसिड पर ला दिया। मेरे हिसाब से ऐसे जानवरों को एक सबक ऐसा सिखाना चाहिए जैसे सऊदी अरेबिया में होता है। देखिए हर मुल्क के अंदर इसकी सज़ा मौत तक है, तो हमें एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है देना ताकि भय डर, यहाँ पे बलात्कार करने के बाद आदमी जब छूट जाता है और कुछ सरकारें ऐसी हैं जो उनका सहयोग दे रही है, कोई ऐसे अल्फाज निकाल से जाते मुंह से निकाल देते हैं जिससे इंसान की हिम्मत बढ़ जाती है। मेरे हिसाब से औरत को कई चीज़ें आजकल मार्केट में आ गई हैं, जैसे स्प्रे होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन गांव खेड़े में ये चीज़ समझाना बड़ा मुश्किल है। तो फ्रैंकली हर इंसान का नज़रिया चेंज करना है और उनको ये समझाना है कि आज औरत मिर्ची पाउडर ऐसा कुछ रख लो, लेकिन उससे ऊपर क्या है। देखिए इसका भी रास्ता तो कोई ना कोई, ये जो सोच है ये इंसान की बदलनी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। उधर चल इसको यहाँ बीच में बिठा दें। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, बीच में बैठो, हमको बिठाता ना, इधर बैठो उधर बैठो। हाँ जी, जहाँ तक सब्जेक्ट की बात है तो मेरी जो पहचान है माय फ्रेंड गणेशा की जो सीरीज है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 भी आ रही है, लेकिन इसके अलावा जो फिल्में मैंने लिखी सारी रियलिस्टिक फिल्में थी। शबनम मौसी, अनारा गुप्ता का जो जब जम्मू कश्मीर में कांड हुआ था उसके ऊपर, भगत सिंह पे 3 फिल्में बना दी थी, राजगुरु पे किसी ने फिल्म नहीं लिखी थी, राजगुरु पे मैंने फिल्म लिखी। तो जब आप सब्जेक्ट ढूंढते हैं तो जो बॉलीवुड मसाला होता है कि बॉलीवुड मसाला फिल्में वही होती है कि लॉस्ट एंड फाउंड और ये जैसे मनमोहन देसाई बनाते थे, सारी चीज़ें अच्छी फिल्में होती थी, सुपरहिट चलती थी, लेकिन हर आदमी का अपना काम करने का अंदाजा होता है। तो मैंने जब राइटिंग की रियलिटी सिनेमा की तब शुरुआत हुई कि मैं अपना डेब्यू भी ऐसे ही सब्जेक्ट से करूँगा। तो जब रंजीत जी से बातचीत हुई कि क्या करना चाहते हैं कैसे करना चाहते, तो तरन्नुम की कहानी सामने आई और हमारा डिस्कशन चल रहा था कि तरन्नुम पे फिल्म बनाएं, उसी समय सरकार का फैसला आया और सरकार के फैसले से ये हुआ कि बार वाला ये जीत गई, तो बहुत बड़ी जीत थी। तो वो हमारे लिए सब्जेक्ट बनाने का बढ़िया मसाला था और एक सच्चाई को सामने लाने का था, इसलिए मैंने इस फिल्म को चुना। राखी जी को क्यों लिया? राखी जी इसलिए कि आपको जब डांस की बात आती है, बार की बात आती है, तो राखी जी से बेटर कोई डांसर नहीं है। एक हेलन जी थी और जब हमारी और राखी की दोस्ती शुरुआत हुई थी तो हम लोग बातें करते थे कि राखी कैसा कैरियर बनाना है, तो ऑलवेज चेस हेलन जी के जैसा।
तो डांस की बात आई तो सारे लोग जो इस फिल्म से जुड़े हुए, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मेरी फिल्म में आशिमा को जब मैंने देखा डांस करते हुए, सी इज़ अ सुपर्ब डांसर, फिर शक्ति जी जहर में आए, किरण जी आए, प्रशांत नारायण जो करेक्टर में है वो परफेक्ट अपने रोल पे हैं, जैके श्रॉफ हैं, और डांस को लेकर सारी चीज़ें आई। तो म्यूज़िक की बात आई तो बप्पी लहरी साहब से हमारी मुलाकात हुई, और बप्पी लहरी जो है कि डांस डांस हो या डिस्को डांसर हो, उन सब में जो है ना जो उन्होंने म्यूज़िक दिया था, तो बप्पी लहरी को म्यूज़िक डायरेक्टर लिया, और कोरियोग्राफी के लिए जो है ना लॉलीपॉप जी जो है डांस कराने में नंबर वन है, जिन्होंने सलमान से लेकर के आमिर सबको नचाया। तो बोला सर इस फिल्म का डांस भी आप करेंगे। तो बार गर्ल की कहानी है, डांस की कहानी है, इसलिए राखी सावंत भी है यहाँ पे, इसलिए बप्पी लहरी भी है यहाँ पे, इसलिए शक्ति कपूर भी है, किरण जनजानी, तो पूरा म्यूजिकल स्कोप है, और लॉली जी नचा रहे हैं सबको, बहुत बढ़िया तरीके से काम हो रहा है। मैं चाहूँगा कि बड़ा प्यार मिले लोगों का इस फिल्म को, और सच्चाई सामने आए बार गर्ल की। मेरा कैरेक्टर जो है उसका नाम है रॉकी। रॉकी इज़ ए कोरियोग्राफर, डांस कोरियोग्राफर। जो बार गर्ल्स जो डांस करती हैं, जो वो जो जिस टाइप का स्टेप्स करती हैं वो, तो दे हैव अ कोरियोग्राफर हुज़ अ फ्लर्ट, हुज़ अ फ्लैम्बॉयंट एंड वेरी कैसनोवा। नाउ ही इज़ नॉट फ्लर्टिंग विद द हीरोइन ऑब्वियसली, बट समवेयर डाउन द लाइन जो मेरी हेड है जूली, आई मीन वी हैव अ रिलेशन, हमारा एक रिश्ता है, बट मैं इसे डरता हूँ, जो रियल लाइफ में सब डरते हुए कोई नई बात नहीं है। बेसिकली शी इज वेरी शक्ति जी, सो काफी इजी था हमारे लिए वो सीन्स करने के लिए। तो काफी इजी था हमारे लिए, एंड हमारा एक लव एंगल जो है, बट एक वो होता है ना एक स्ट्रांग एंड एक वीक बॉय जो होता है कोरियोग्राफर, वो रिलेशन है हमारा। Yes. कभी नहीं देखा, और मैं बता दूं कि किरण और मैं बहुत पुराने फ्रेंड हैं। जब मुझे पता चला कि मैं किरण के अपोजिट हूँ, हम दोनों एक दूसरे के, और मुझे रोमांस करना है, तो मुझे हम लोग हमारी हालत खराब हो गई थी दोनों की, हम एक दूसरे को ऐसे देखे कैसे हमारे ऐसे एक्सप्रेशन थे। बस सचिंदर जी जैसे स्मार्ट डायरेक्टर हैं, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है रोमांस का, ये सारी चीजें कोई बिल्कुल, उन्होंने काफी अच्छी तरह से बताया, वैसा रोमांस नहीं होगा, म्यूजिकल होगा, इसमें कोरियोग्राफी होगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत सारी बातें बोली है, वो मैं बताऊंगी नहीं। तो मुझे इस तरह से बताया कि बेडरूम सीन होगा तो म्यूजिकल होगा, एंड काफी सब कुछ म्यूजिक पे होगा, तो देयर विल बी नथिंग डर्टी और वल्गर, इट विल बी वेरी क्लासी। प्रशांत नारायण एक ऐसा किरदार निभा रहे हैं जो, प्रशांत नारायण के कैरेक्टर का नाम है समीर, और हर किसी का ड्रीम होता है कुछ ना कुछ बनना, तो प्रशांत नारायण का ड्रीम है अंडरवर्ल्ड डॉन बनना, और वो जो है बार में आते हैं, बार में घूमते हैं हर तरह से, और उसमें आलिया मिल जाती है उनको, मेरी लड़की को बताते हैं, और इससे प्यार हो जाता है, और प्यार होने के बाद वो लड़की जब दुबई जाती है तो दुबई तक की जर्नी सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि वो दुबई के बादशाह बनना चाहते हैं, और उसका जो लास्ट जो होता है ना कि आप कितना भी गलत काम करेंगे उसका अंजाम क्या है, तो लास्ट जो अंजाम है वो मैं भी खोलूंगा नहीं पिक्चर में, लास्ट अंजाम बुरा ही होता है, बट ही इज़ परफेक्ट फॉर द रोल, लुक में सीन्स में उन्होंने जो जान डाला है कि उनको बोलना पड़ता है कि बस प्रशांत ये शॉट है, शॉट इज ओके, वन टेक एक्टर है, एंड आई एम वेरी हैप्पी ऑल द एक्टर्स। सर लॉली जी इज माय कोरियोग्राफी, डांसेस अरे गाने कर रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल गाने कर रहे हैं। आप इधर आओ सर। हाँ लॉली जी आ जाइए। अरे सर सर नहीं सर, लॉली हमारे इंडस्ट्री के बहुत बड़े कोरियोग्राफर हैं, एंड वी रिस्पेक्ट लॉली जी, बहुत काम किया है हमने लॉली जी के साथ। हमारे होटल में प्योर वेज खाना मिलता है, तरस गए अंडों के लिए। जैन साहब हमारे, हाँ एक ही आदमी है जो तंदूरी अरेंज करता है, एक ही आदमी है जो नॉन वेज अरेंज कर सकता है, वो है लॉलीपॉप, और उनका दिल इतना बड़ा है
खुद एक पीस खाएंगे और लोगों को सब खिला देंगे। उनके साइज में मत जाइए, जो साइज उनका है उससे बड़ा उस साइज उनके दिल का है। नहीं, लेकिन ताजुब की बात तो ये है कि एक पीस भी नहीं मिला यूटाइम सब बाकी के लोग को सब बंटवारा हो गया। कोई बात नहीं, आज शाम को हम खिलाएंगे। आज शाम को प्रोड्यूसर को रिक्वेस्ट करेंगे। आज का सीक्वेंस एक्चुअली क्या है कि अभी अगर आप बोला जाए कि बार का डांस है, बार का डांस है, तो क्या होता है कि एक चमेली, फिर उसके बाद में चांदनी बार, तो बहुत बार्स तो देख लिए, लेकिन हमारे ये बार्स थोड़ा हम लोग डिफरेंट करना चाह रहे हैं। बिकॉज कि क्या है, हाशिमा का एक बहुत ही प्लस पॉइंट मुझे मिला था, वो है इनका बहुत ही बेहतरीन डांस। तो ये डांस को अगर जिसको डांस आता है उसको मोल्ड करने में बहुत ईजी बात होती है, और जिसको नहीं आता है उसको सिखाने में हम डांस भूल जाते हैं। लेकिन इसमें मुझे एक बहुत अच्छा एक तो आर्टिस्ट मिला है जिसको मैं डांस करा रहा हूँ, और एक अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर मिले जो ओल्ड इज गोल्ड बेस्ट बपीदा, वो बहुत सुरेली है, बहुत मेलेडी है और बहुत रिदम है उनमें। तो शायद ये चीजें और ये दूसरी बात है, इलेक्शन आ गए तो ये म्यूजिक में जीते हो। मुझे नहीं बोला, मुझे नहीं बोला, नहीं बोला। अरे देखिए, मैं तो इनकी दाद देता हूँ, अकेली पार्टी लेके झांसी की रानी निकल, मिर्ची लेके खड़ी मिर्ची। अभी देखिए, इनको कोई भी पार्टी में बोलेंगे, राखी को तो बोलेंगे आ जाओ यार। अभी तो मैं यही इनसे दरख्वास्त करता हूँ, बीजेपी ज्वाइन करो, अच्छे काम करो, हिम्मत वाली लड़की हो, कमाल है। अच्छा, और एक और मैं रिक्वेस्ट करने वाला था, डायरेक्टर से अचानक बैठ के याद आया कि ये फिल्म की ओपनिंग ना जो टाइटल शुरू होते हैं ना, उससे पहले राखी जी का डांस एक दिखा देना टाइटल से पहले, चाहे आधा मुखड़ा हो या पूरा मुखड़ा हो, वहां से फिल्म शुरू करो। सीरियसली बोल रहा हूँ, सीरियसली, दिस इज नॉट गोना हैपन। यस आई विल, आपने कहा है तो आई विल डू इट। मतलब ये पिक्चर हेल्प करो, एक चीज तो पेंटी लूज हो। हमारा इस पिक्चर का रिलीज का अगस्त का प्लान है, तो सब कुछ ठीक रहा तो अगस्त में पिक्चर रिलीज हो चुकी है। और इंडस्ट्री में एक जो नगीना जिसको बोलते हैं अपन, वो आ रहा है, ये नज़र की बात है आशिमा के रूप में। और मेरी गारंटी है इस बात की कि इसने जो करेक्टर किया है और जो करेक्टर ये कर रही है, पहली फिल्म में कोई कर नहीं सकता। पिक्चर जहां तक है ये सुपर हिट ही होनी है। जिसका माल लगता है वो ऐसे ही बोलता, माल लगने वाला लेकिन नगीना भी देख रहा है। हमारे पास बात नहीं, लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप। Thank you.